हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल से रिंगटोन कैसे हटाएं। तो अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, अगर दूसरी लगानी है तो दूसरी भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ऑन दिस डिवाइस का ऑप्शन है, कस्टम नाम से भी ऑप्शन हो सकता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर से मैंने गाना सेट किया है, हमें इसे हटाना है, यह वाली सेट है। तो इसे हटाने के लिए किसी दूसरे पर क्लिक करेंगे तो यह वाली हटी जाएगी। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यह अब यहाँ से हट चुकी है, अब यह वाली सेट हो चुकी है। इस तरह आप दूसरी सेट कर सकते हैं। आपके फ़ोन में अगर कोई दूसरा रिंगटोन है तो आप उसे लगा सकते हैं। जब आप दूसरी वाली पर क्लिक करेंगे तो आप इसे सुन भी सकते हैं और यह सेट भी हो जाएगी, और जो पहले वाली लगी रहेगी वो हट जाएगी। इस तरह आप लगा सकते हैं। अगर किसी गाना को लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मोबाइल में जो सिस्टम रिंगटोन दी रहती है उनमें से किसी को लगाना तो आप उसे भी लगा सकते हैं। बैक आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सिस्टम रिंगटोन दिए रहते हैं, आप इनमें से किसी को भी लगा सकते हैं। जो आपको पसंद आए उस पर क्लिक कर देंगे, सेट हो जाएगा। फिर बैक आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंगटोन हमारा पहले वाला हट चुका है। इस तरह आप हटा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।